अमृतपाल ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी गिरफ्तारी भगवान के हाथ में है, मेरे समर्थकों को असम जेल भेज दिया गया है। एक वीडियो वायरल है जो अमृतपाल का वीडियो है। भगौड़े अमृतपाल ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे समर्थकों को असम जेल भेज दिया गया है, मेरी गिरफ्तारी भगवान के हाथ में है। अमृतपाल जिसकी दबिश के लिए, जिसको गिरफ्तार करने के लिए समय एक्शन मोड में है पुलिस, वो फरार है, लापता है। और इस दौरान एक वीडियो सामने आता है अमृतपाल का, भगौड़ा अमृतपाल, जो कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, मेरी गिरफ्तारी भगवान के हाथ में है, मेरे समर्थकों को असम जेल भेज दिया गया है। अमृतपाल का वीडियो मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता, भगवान भरोसे है मेरी गिरफ्तारी, ये तल्ख अंदाज में अमृतपाल, जो कि भगौड़ा है, पुलिस तलाश कर रही है उसकी, उसने कहा है कि मेरे समर्थकों को असम जेल भेज दिया गया है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, मेरी गिरफ्तारी भगवान भरोसे है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अमृतपाल सिंह का ये वीडियो पंजाब उपद्रव मामले में अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बीच अमृतपाल का एक वीडियो सामने आता है और वो घमंड में चूर होकर कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरबत खालसा सद्या जावे, मैं सिख संगतां नूं अपील करदा हां, देशां विदेशां दे विचों जिथे जिथे भी सिख संगतां बैठियां ने, वो वध चढ़ के सरबत खालसा जिहड़ा विसाखी ते होवे उहदे च हिस्सा पाउण, ते उत्थे साडे कौम दे मसलिआं दी गलबात होवे, क्योंकि बहुत लंबे समें तों साडी जिहड़ी कौम है वह वक्ख वक्ख मसलिआं ते छोटे मोटे मोर्चे ला के उलझ रही है। सो सानूं इह चाहीदा वी जे असीं पंजाब दे मसले हल कराउणे आ, जे फड़ो फड़ाई कीती गए नौजवान असीं छडाउणे आ, जिहड़ा हकूमत ने धक्का कीता है प्रधानमंत्री बाजे के वर्गे सधारण सिखां दे उत्ते, क्योंकि उहने खंडे वाटे दी पॉलिश की सिर्फ इस करके उहनूं NSA ला के असाम भेजिआ, मेरे होर संगियां साथियों नूं असाम भेजा गया, होरनां नूं फड़ के जेलां च तुन्या गया। सो इस करके यह सारा जुल्म है, ये सानूं पता तो है भी जिस मार्ग ते असीं तुरे हाँ उत्थे सारा कुछ सानूं सहना पैणा, पर इहदे खिलाफ आवाज़ चुकनी साडा कौमी फर्ज़ है। सो मैं सारी सिख कौम नूं देशां विदेशां दे विच वसदियां नूं अपील करदा भी जिहड़ा सरबत खालसा विसाखी ते होना चाहिए, जथेदार साहब इस ते गौर करन, क्योंकि जिहड़े आपां जथेदार साहब ने कहा कि आपां वहीरां कढ़ांगे पिंडां च जा के लोकां नूं जागरूक करांगे, मेरी जसदार साहब ने बेनती है कि लोग बहुत जागरूक ने, लोगों के मन जो हुकूमत ने पै खड़ा। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ईशा, ये वीडियो जो अमृतपाल का है, भगौड़ा अमृतपाल जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल पूजा, देखिए अब कहीं ना कहीं जो पंजाब पुलिस है या केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी कारगुजारी पर भी सवाल निशान खड़े हो जाते हैं। आज 12वां दिन है, जिस तरीके से 18 तारीख को भाग निकला था पुलिस की चुंगल से, और आप देखिए जिस तरीके से पुलिस की तरफ से गोल्डन टेंपल के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स और पंजाब पुलिस की टुकड़ियों को सुबह ही तैनात कर दिया गया था, और इसके अलावा बठिंडा के तलवंडी साबो के जो गुरुद्वारा है श्री दमदमा साहिब, वहां पर उन्हें लग रहा था पुलिस को कि शायद वो आज आत्मसमर्पण गुरुद्वारे में आके कर सकता है, लेकिन पुलिस को ही चुनौती दे रहा है अमृतपाल। और देखिए कि किस तरीके से वीडियो जारी करके एक बार फिर से खालिस्तान की हुकूमत करते हुए नजर आ रहा है, और लगातार जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं उन्हें कहते नजर आ रहा है कि वो आगे बढ़े, और जो पंजाब के सिख संगत हैं वो सरबत खालसा में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें अगर पंजाब को बचाना है। और साथ ही इसने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो पुलिस पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, और किसी ने भी उसका कोई उसकी तरफ से, देखिए पुलिस को किस तरीके से वो चुनौती दे रहा है, और लगातार वो ये भी वीडियो में कहता नजर आ रहा है कि कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है, जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है वो गुरु के हाथ में है। तो ऐसे में जहां तक इसके समर्थक और इसके लीगल एडवाइजर ने भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये रुक करके कहा था कि ये पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं है,
वो काफी दूर निकल चुका है। पंजाब से भी लगातार सर्च ऑपरेशन कई राज्यों में चल रहा है। पंजाब में भी ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है होशियारपुर में मौजूद हो और बठिंडा या गोल्डन टेम्पल में आकर वो आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में क्योंकि खुफिया एजेंसियों को जो इसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी वो नेपाल की थी, तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इसने वीडियो भी जारी किया है हो सकता है वो विदेश से किया हो, लेकिन इसकी छानबीन की जा रही है। और अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये वीडियो उसने जारी कहां से किया है। तो ऐसे में सोशल मीडिया में लगातार इसकी वीडियो जारी है और पंजाब पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं पुलिस की कारगुजारी पर उठता है। जितनी पुलिस बल होने के बावजूद भी 80,000 पुलिस बल यहाँ पर तैनात थी, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, उसके बावजूद अमृतपाल बाहर निकलता है। वो भी अब देखना ये भी होगा कि क्या वो विदेश से ये वीडियो जारी कर रहे हैं या यहीं पर मौजूद हैं। ठीक, शुक्रिया आपका ईशा ठाकुर।